नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नुक्कड़ सभा में बोली डॉक्टर राम प्रताप, पिछले चुनाव में हारा नहीं, तकदीर में नहीं था विधायक बनना। शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी, हनुमानगढ़ आएंगे सिर्फ के अवसर पर। पाइप लीकेज से सड़कों पर जमा हुआ पानी, राहगीरों ने उठाए सवाल। आंदोलन के बावजूद गंदा पानी पी रहे हैं नोहर के लोग, तहसीलदार को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पिछला चुनाव हारा नहीं था, हाँ जीत नहीं पाया क्योंकि तकदीर में विधायक बनना लिखा नहीं था। टाउन में हुई नुक्कड़ सभा में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने भाषण के दौरान डॉक्टर राम प्रताप की पराजय का जिक्र किया तो डॉक्टर राम प्रताप खुद खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ में माइक लेकर इस तरह स्पष्टीकरण दिया। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही विकास कार्यों के लिए श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप ने भी जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पारिक कॉलोनी में जनसंपर्क किया। डॉक्टर राम प्रताप लगातार दो दफा मिली पराजय की पीड़ा को भुलाना चाहते हैं और पूरे दमखम के साथ आगामी चुनाव जीतने की उम्मीद पाले हुए हैं। यही वजह है कि जब भी कोई उनकी हार का जिक्र करता है वे उसे टोकने से नहीं रहते। पारिक कॉलोनी में हुई नुक्कड़ सभा में भी डॉक्टर राम प्रताप ने ऐसा ही किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने जब पिछले दो चुनावों में उनकी हार का जिक्र किया तो भाषण दे चुके डॉक्टर राम प्रताप फिर खड़े हो गए। उन्होंने माइक लेकर कुछ इस तरह स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने डॉक्टर साहब दोबारा चुनाव हार गया, लेकिन विकास पुरुष अगर किसी के कोई को नहीं हारे। 386 वोट कोई ज्यादा नहीं थे या लकीर नहीं थी, कहीं की हार है। आप लोगों ने मेहनत की, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे 20,000 वासी, 25,000 वासी, अब 386 वोटों का फर्क रह गया। नया एरिया था, उन्होंने अपने को नहीं देखा, बाकी का पुराना एरिया था। 13 राउंड का एक एक राउंड गिने थे मैंने, कोई ऐसा राउंड नहीं निकला जिसके अंदर से 20 वोट ही बढ़े हो, नहीं बढ़े हो। हर राउंड में हमारे बढ़े 13 राउंड था, 2 राउंड नई पंचायतों के थे, वहां जाकर के 386 का फर्क आया। तो बस माथे पर फकीर का नहीं, बाकी हार का ही। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि प्रजातंत्र का उसूल है कि आम जनता अपने नेताओं को उसकी कमियां बताए, हर आदमी को यह काम करना चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार पर निशाना साधा। मंत्री बना दिया, बोलो बजट में इसकी घोषणा होगी क्योंकि इसमें पैसे करोड़ों रुपए लगेंगे और विधानसभा के अंदर बजट के टाइम घोषणा होगी। योगी के चलते मैं इसको जिला घोषित कर दूं। और मार्च के अंदर जब बजट पेश हुआ उस वक्त में हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया, तब मैं बटर थप्त पहुंच में हाथ में मुंदड़ी सी भी जोर लगी तो मेरा कांगड़ी वहां फ्रैक्चर, इतना जोश था। अब वो जिला घोषित हो गया तो उसके बाद में दूसरी बात शुरू की, बोले घोषणा तो कई बार हुई है, इसको बनाओ। जब यहाँ जिला बना उसके बाद में ये बात छूटी तो जो काम मुझे तुमसे कहा पूछना है पूछना, फतेहगढ़ महेंद्र तेरे कंधे मुझे भैया पूछ देना, पानी जो छुटवा दो है कि जमींदार के पेट के कि लात मारने वाली बात है। तो कौन पूछे, मेरे पूछे अभी तक ये करो, मैं करियो तो सारा के सामने है। और मैंने ये सवाल पूछा था उसका जवाब चौधरी के पास नहीं आया, पानी को गिलास मुँह पानी पी भोग रही का असूल है, कमी है तो उस आदमी को वोट मत दो, मैं आपके साथ शामिल हूँ। और इसका विश्लेषण अगर आप करो तो 9 पंचायतें नहीं शामिल हुई है, हनुमानगढ़ का वो भी हिस्सा है, वहां के हालात देख लो और इसके देख लो, हनुमानगढ़ की दूसरी तहसीलों के देख लो, वो भी वक्त था जब 24 घंटे सिवाय थाने से दूसरे तार नहीं जुड़ते थे। वो दिन लोगों को देखे हैं जैसे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं। आदमी को जबान बोल से बोलने की आजादी हरेक को है, अपनी बात रखने की आजादी हरेक को है, लेकिन उसको प्रताड़ित किया जाए बिना मतलब का, ये थाने और तहसील की राजनीति है, हमारे बुजुर्गों से पूछ लेना। विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी जोरों पर है, इसके लिए स्वीप ने दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया है। स्वीप प्रभारी रामनिवास जाट तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा की देखरेख में कार्यक्रम की समीक्षा की।
राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में मौजूदा विधानसभा चुनाव अलग होगा, लीक से हटकर काफी कुछ नए तरीके से। पहली बार ऐसा हुआ कि हर वयस्क व्यक्ति को अनिवार्य तरीके से वोटर बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। वहीं बाद में उन्हें मताधिकार के उपयोग के लिए भी प्रेरित करने का काम चल रहा है। इसके लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसे स्वीप नाम दिया गया है। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट को स्वीप का प्रभारी बनाया गया है। रामनिवास जाट ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में चुनाव शाखा की दूलीचंद और गुरुदेव सिंह आदि भी मौजूद थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहडा के मुताबिक स्वीप ने प्रथम चरण में जिले में करीब 50,000 नए मतदाताओं को जोड़ने में सफलता हासिल की है। वोटरों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल की है। पहले महिला वोटरों की संख्या प्रत्येक 1,000 पर 857 थी, जो बढ़कर 882 हो गई है। दूसरे चरण में अब पूरी तैयारी शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करवाने पर है। इसके तहत ऑब्जर्वर संजय राय हनुमानगढ़ आएंगे और वे तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संजय राय केंद्रीय गृह मंत्रालय के डायरेक्टर हैं। शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में मेहड़ा ने स्वीप की जानकारियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी काफी जोर शोर से चर्चा हो रही है, तैयारी भी हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रहा है। बिल्कुल साहब, हमने इसमें दो चरणों में तैयारी की थी जो अप्रैल से शुरू हुई और सितंबर तक प्रथम चरण था इसका, और दूसरा चरण जो है वो हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी तब तक रहेगा। इसमें पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक स्वीप जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है, और SVEEP, और स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। दोनों ही चीज़ें हैं कि आपने फिजिकल व्यवस्थाएं तो सारी कर दी, आपने पोलिंग बूथ बना दिए, आपने EVMs रख दी, सारी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट्स पूरे फुल हो गए, लेकिन जो मतदाता है वही बूथ पर नहीं पहुंचे, वो बूथ पे। दोनों चीज़ें चुनाव आयोग ने चाही कि मतदाता, जिसमें विशेष रूप से युवा मतदाता एंड वेमन वोटर स्त्री मतदाता, ये दोनों जो है इनका प्रतिशत कम है। तो पहले तो जो भी यूथ 18 से 19 साल का एज वेल एज फीमेल वोटर्स, इनको आप फीमेल जो है इनका प्रतिशत जो कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट के अंदर पूरे बूथ्स का एनालिसिस करके और उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाइए, उनको मतदाता बनाओ। और दूसरे चरण के अंदर कि आप ये प्रयास करें कि वो जिनका नाम आ गया है वो वोट देने के लिए बूथ पे आवश्यक रूप से आए और लोकतंत्र के अंदर सहभागिता निभाए। तो ये दो चरणों के अंदर चुनाव आयोग ने पहली बार किया, और ये गुजरात के अंदर जो अभी चुनाव हुए थे पिछली बार, तो वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो अपने यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी ये प्रोजेक्ट लागू किया गया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे
आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। वार्ड नंबर 10 व 38 के नागरिकों ने आज यूथ पावर सोसाइटी के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वार्ड में पेयजल व्यवस्था को सुधारने की मांग की। जंक्शन के वार्ड नंबर 10 व 38 के नागरिकों ने आज यूथ पावर सोसाइटी के तत्वावधान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल महेड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से वार्ड वासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए बताया कि वार्ड में लंबे समय से पेयजल व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिससे वार्ड के नागरिक दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। गंदा पानी पीने से वार्ड वासियों में डेंगू व मलेरिया की बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने लोगों को जल्द ही समस्या के समाधान करवाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, उपाध्यक्ष सतवंत सिंह, सचिव भूपेंद्र सिंह, नवजोत सिंह, गगनदीप सिंह आदि उपस्थित थे। शहर में मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन डेंगू के मरीज जो हैं, मलेरिया के मरीज जो हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए नगर पालिका को पाबंद करने के लिए कि नगर पालिका उसको पाबंद करे कि वहाँ पे पूरा छिड़काव वगैरह, मच्छर प्रतिरोधक दवाओं का छिड़काव पूरा अच्छी तरह किया जाए, जिसके कारण इन रोगों को जल्द से जल्द अपनी सीमा के अंदर रखें। पाइप लीकेज होने से जगह जगह पसरा पानी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। टाउन में लगभग 2 दर्जन जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की लीकेज हो रही है। सड़कों पर जगह जगह पसरा पानी बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। टाउन में पाइपलाइन के लीक होने से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़भाड़ व सर्वाधिक आवागमन वाली जगह कॉलेज फाटक पर यह समस्या आ रही है। यहां करीब 2 माह से पाइप लीक हो रही है, जिस वजह से सुबह शाम बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर भरा रहता है। पाइपलाइन के लीक होने के कारण वहां काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। करीब 2 महीने से वहां लीकेज घटने की बजाय बढ़ रहा है। इस कारण आसपास के क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। दूषित पानी की आपूर्ति होने से रोग बढ़ने की आशंका है। इस स्थिति पर आसपास के दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद व जलदाय विभाग को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कॉलेज फाटक के पास चौराहे पर करीब 2-2.5 महीने से पाइप लाइन लीक होने से खड्डा हो गया बड़ा भारी। उसमें हर वक्त सुबह और शाम पानी निकलता रहता है, जिसे सड़क पानी से भर जाती है। आवागमन में बड़ा ही बाधक है। कई दफा यहाँ एक्सीडेंट हो गए हैं और जलदाय विभाग को और नगर परिषद को बार बार कहने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। छोटे बच्चे स्कूल आने जाने वाले गिरते हैं, रिक्शा, मोटरसाइकिल, उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं। पानी कीचड़ से लोगों के कपड़े खराब होते रहते हैं। बहुत बड़ी दुविधा। इसके साथ ही शहर में विद्युत निगम कार्यालय के बाहर भी 2 महीने से पाइपलाइन लीक हो रही है, जिसका पानी सड़कों पर पसरा पड़ा है। इसके अलावा रूपनगर में गली नंबर 5, प्रेम नगर में सामुदायिक केंद्र, भद्रकाली मार्ग, नेहरू मेमोरियल स्कूल के पीछे, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे इत्यादि टाउन में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर लंबे समय से पाइपलाइन लीक हो रही है, लेकिन जलदाय विभाग और नगर परिषद आंख मूंद बैठा है। लेकिन इसकी समस्या का समाधान न होने से नागरिकों में काफी रोष है। इस मौके पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रंजीत खलिया ने कहा कि वे जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। जैसे अपनी सर्दी स्टार्ट होती है तो लीकेज बहुत तेजी से बढ़ती है।
जिसमें हमारी लाइन भी हो सकती है, कंज्यूमर की सर्विस लाइन भी हो सकती है। कंज्यूमर की होती है, उनको कहते हैं भी आप करवाइए, हम उसकी मदद भी करते हैं करवाने में, ठीक करवाने में। और अभी आपने कॉलेज पाठक वाली जो चर्चा की थी, वहाँ हम क्योंकि वो कॉन्क्रीट रोड है, कॉन्क्रीट रोड मैनुअली टूटती नहीं है, इसलिए हमने कटर की व्यवस्था की है। कल वहाँ लगवाएंगे कटर से, उसको ठीक करवाएंगे। और जैसे हमें सूचना मिलती है किसी से भी लीकेज है और है, चाहे किसी साधन से मिले हमें, तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं। नोहर में गंदा पानी पीना नागरिकों की मजबूरी है। अनशन और आंदोलन के बावजूद नागरिकों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लिहाजा नागरिकों ने तहसीलदार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। नोहर में हर कोई गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। खास बात यह है कि बार बार अधिकारियों को कहने के बावजूद समस्या जस की तस है। हर वार्ड में पाइप के लीकेज से गंदे पानी की आपूर्ति होती है, इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। नागरिकों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर निर्धारित अवधि में समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। गांधीनगर लोहे वाली पानी की टंकी के पास पहले हमारे पानी की सप्लाई अच्छी आती थी, लेकिन वहाँ पर 4 इंची पाइपलाइन में से 3 इंची पाइपलाइन का मिलान कर दिया गया, और वो हमें हमारी अनभिज्ञता में ये काम किया गया, ना उस मोहल्ले से पूछा गया वो पानी की सप्लाई कहाँ देगी। इस बाबत यहाँ के जो AN साहब हजारी राम जी, उनसे व्यक्तिगत मिला गया। JN साहब ढाका जी से संपर्क किया गया, मणिराम जी जो फिटर हैं उस एरिया के संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी सिवाय भरोसे के और ये आश्वासन के ये कुछ नहीं कहा कि काम हो जाएगा। एक महीने से हम बड़े परेशान हैं इस चीज़ के लिए। हमारे 20-25 घरों में सिर्फ 2 या 3 बाल्टी पानी आता है, और आज इस त्यौहार के मौसम में जहाँ पानी की हर पल पल ज़रूरत होती है, हम टैंकर लेके आते हैं, रोजाना टैंकर डलवाते हैं, एक टैंकर के 300 रुपये लगते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बिश्नोई कल्याण भूमि में पेड़ों की अवैध कटाई से बिश्नोई समाज में रोष है। समाज के लोगों ने जंक्शन थाना में शिकायत कर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पेड़ों की अवैध कटाई के विरोध में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जंक्शन में ग्रेफ चौराहे के पास बिश्नोई समाज की कल्याण भूमि है। कल्याण भूमि के ऊपर से विद्युत विभाग की 220 केवी लाइन गुजरती है। विद्युत लाइन से बिश्नोई समाज द्वारा कल्याण भूमि में लगाए गए पेड़ टकराने लगे, जिस पर विद्युत विभाग ने कार्यवाही करते हुए लाइनों की चपेट में आने वाले करीब 15 पेड़ों को काट दिया। कल्याण भूमि में पेड़ों की अवैध कटाई का पता चलते ही बिश्नोई समाज में रोष फैल गया। समाज के लोगों ने जंक्शन थाना में शिकायत कर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पेड़ों की अवैध कटाई के विरोध में मुकदमा दर्ज करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता व बिश्नोई समाज के प्रतिनिधि हनुमान सिंह बिश्नोई ने बताया कि विद्युत विभाग से वार्ता कर विद्युत लाइनों से टकराने वाले पेड़ों को काटने के बजाय ऊपर से छंगाई करने पर सहमति बनी थी, लेकिन विद्युत विभाग ने पेड़ों को निर्दयता से कटाई कर दी। विद्युत निगम की ट्रांसमिशन लाइन के पेट्रोलिंग के दौरान ये पेड़ उनको काटने जरूरी बताए उन्होंने। मेरे से पहले ये डिस्कस हुआ कि वो पेड़ कैसे काटे आप बताओ, उनको ये समझाया। मैंने कहा पेड़ों की ट्रिमिंग करो आप, पेड़ नहीं काटे ऊपर से, चाहे फुट फुट टेन या छोड़ के उनको काट दी जाए, 2 साल बाद में फिर अपने ट्रिमिंग कर लेंगे। ये तय हो के और दूसरे दिन के लिए 10:30 बजे ही हमने या 7
मौजूद रह के वो पेड़ कटवाने थे। मैं एक घंटा इंतजार करता रहा यहाँ, तब तक वो आए नहीं। मेरे जाने के तुरंत बाद वो आए, 8-10 आदमी साथ लेके, और बेनीवाल जी ने ये सारे पेड़ नीचे से कटवा दिए। यह अपना जो यह संभाल करता है ये फसल वगैरह, ये कल्याण भूमि की उसकी मौजूदगी, उसका भी उन्होंने नहीं माना। उसने भी समझाया भाई आप आने दो उनको, उसके बाद आप करना, लेकिन वो नहीं माने। मैं जब तक पहुंचा तब तक ये पेड़ काट चुके थे। मेरा एक्शन तो ये है, हमने विभाग को एप्लीकेशन दिए थाने में, और हम तो कहते हैं आइए इनके खिलाफ, उसके खिलाफ एफ आई आर करके गिरफ्तार करो, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सम्मान अपने हिसाब से आंदोलन करेगा और उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगा। बिश्नोई समाज द्वारा विद्युत विभाग पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभाग से संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति में कर्मचारियों ने एक नक्शे के जरिए बताया कि विद्युत विभाग की 220 केवी लाइन के 35 मीटर दायरे में पेड़ नहीं लगाए जा सकते। दीपावली भले मिठाइयों और पटाखों का त्योहार है, लेकिन महंगाई ने दीपावली के उत्साह पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़ा झटका लग सकता है मिठाई की बिक्री पर। मिठाई विक्रेता मानते हैं कि रेट बढ़ने से बिक्री पर असर पड़ेगा। दीपावली की तैयारी में जुटे हैं मिठाई बनाने वाले कारीगर। टाउन के विभिन्न नामचीन दुकानों पर इस तरह हो रही है तैयारी, बावजूद इसके दुकानदार सहमे हुए हैं। आखिर कैसे होगी बिक्री? पिछले साल की तुलना काफी बढ़ोतरी हुई है रेट में। आलम यह है कि ग्राहक दुकान पर पहुंचते हैं, भाव पूछते हैं और बड़बड़ाते हुए वापस चले जाते हैं। दुकानदारों की माने तो दूध से लेकर हर चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। यहां तक कि कारीगरों के भी भाव बढ़ गए हैं। जाहिर है बाद में ग्राहकों पर असर पड़ेगा ही। पूरा पड़ा जी असर, पूरा पड़ा, हर चीज डेढ़ रेट हो गया जी। जो मावा अपने 150-200 पड़ता था वो हमें 250 पड़ता जी। दूध 20-22 था वो 28-30 रुपये हो गया जी। और जो पिस्ता वगैरह काजू थे 300 थे वो 400 रुपये हो गए। और लेबर थी लगभग 150 गुना होगी जी। जो 600 रुपये दिहाड़ी लेते थे आजकल 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं जी। तो तनख्वाह जो 10-12 हज़ार थी वो 18-18 हज़ार होगी तनख्वाह जी। इसलिए मिठाई में बहुत महंगी पड़ रही है जी। महंगाई तो असर करेगी जी, बड़ी असर तो करेगी, कारण है कि सब लेबर तेज है, सब चीज़ तेज है, तो महंगाई तो नेचुरल अभी रेट तेज होगा। पिछले साल दूध 20 रुपये था जी, अब 28 रुपये जी हो गया जी। और देसी घी पिछले 250-250 था, अब 360 रुपये हो गए। और लेबर बढ़ गई। सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर था 1300-1350 मिलता था, वो 1800 रुपये हो गया जी। तो ऐसे करके लागत बहुत मिठाई पर पड़ती है जी। मिठाइयाँ तो हम लगभग 40 टाइप की बनाते हैं। हाँ, मेन तो हो गए दाल लड्डू हो गए, इमरती होगी, पतीसा हो गया जी, काजू कतली होगी, बादाम कतली होगी, मिल्क केक हो गया, डोडा बर्फी होगी, और भी कई नाम है। ये दीपावली का क्या फायदा है? इस बार मिठाई हाथ पर लगाओ तो करंट मारती है। हम लोग दिवाली के ऊपर लोगों को मिठाई का गिफ्ट, क्या गिफ्ट देंगे उनको? और ये सरकार की क्या नीति है, जगह जगह इतनी महंगाई कर रही, हर चीज करंट मार रही है, जीना दूभर हो गया। मिडिल क्लास कैसे अपना गुजारा करेगा, मुझे बताओ आप। कोई बात थोड़ी है कोई, ये कोई और वोट मांग रहे हैं कि गरीबों को थाली में रोटी रोटी खोस रहे हैं कि दे रहे हैं? ये डबल से ज्यादा हो गई, और कितने मारोगे क्या? जनता को पीस के मारना है क्या आपने? मिठाइयाँ बहुत महंगी हो गई है। मैंने मिठाई खरीदने के लिए गया, उसका भाव सुनते ही मेरे कानों के रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे कोई समझ नहीं आ रहा है। और कुछ नकली माल बहुत आ रहा है बाजार में, उसका कोई इलाज नहीं है। मिठाई खरीदो ही मत आप, है कोई ऐसे ही काम चला लो। मिठाई प्याज बंद कर दो, बहुत महंगाई है इस टाइम में। दाल रोटी खाओ, पर भूखे वो भी नहीं खा सकते हैं, वो भी इतनी महंगी है कि दाल खाई नहीं सकता आदमी। पहले कहते थे कि दाल रोटी खाने से आदमी बहुत सस्ता है, गुजारा हो जाता है गरीबी में, पर अब दाल रोटी से भी गुजारा नहीं होता, क्या खाए आदमी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।